आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम सूजी का हलवा बनाने जा रहे हैं। आप सूजी के हलवे में क्या क्या सामान यूज होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। आधी कटोरी सूजी, आधी कटोरी घी, आधी कटोरी चीनी, डेढ़ कटोरी पानी, 10-12 काजू, 10-12 बादाम और 10-12 किशमिश, 1 चम्मच चिरौंजी। चलिए हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। मीडियम गैस पर पैन रख दिया है और सूजी को हम भूनने के लिए डाल रहे हैं। इसको हल्के हाथों से भूनना है और इसके अंदर हम घी डाल देते हैं। घी डालने के बाद हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेते हैं। अब हमें गैस धीमी करनी है। यदि आप मंदी गैस में सूजी भूनेंगे तो हलवा स्वादिष्ट बनेगा। और इतना हमारी सूजी भूनती है, इतना हम ड्राई फ्रूट काट लेते हैं। हमारी सूजी थोड़ी भून चुकी है, इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं। ये बादाम, काजू, चिरौंजी, किशमिश हमें भूनने में नहीं डालनी है। हमारी सूजी भून चुकी है, इसके अंदर हम पानी ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही हम चीनी भी ऐड कर रहे हैं और तेज गैस कर देते हैं और इनको अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब हम किशमिश भी ऐड कर रहे हैं। इसको धीरे धीरे आराम से चलाते रहें। हम इसके अंदर थोड़ा सा घी और डाल देते हैं और इसको फिर चलाते हैं। कभी कुछ मीठा खाने का मन हो तो एक बार इसे ट्राई जरूर करिएगा। हमारा हलवा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसको हम बाउल में पलट लेते हैं। तैयार है हमारा टेस्टी सूजी का हलवा। खाना भी, खिलाना भी, मुझे कमेंट में बताना भी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।